समझ में आ रहा है कि ये चार स्वभाव से समझ में आ रहा है कई जगह विज्ञान की भी धातु आत्मा में एक प्रवचन एक दो प्रवचन में ऐसा भी है। आकाश को हम अनुभव नहीं कर सकते, उसके कारण कोई वेदना नहीं होती, इसलिए अनुभव की बात नहीं। वो हम जैसे आकाश को किस सेंस में समझ सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसको, तो वी एक्सपीरियंस इट एज लिमिटेशन, रूप की लिमिटेशन है। जैसे इस कमरे में हम बैठे हैं तो ये सारा जो स्पेस है उसी को आकाश धातु, कानों नाकों के बीच में जो गैप है ये आकाश धातु कही जाती है। जैसे लिमिटेशन ऑफ रूप, रूप का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो उसको आकाश कहा जाता है। तो क्योंकि उसके कारण कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं होता, तो इसलिए उसको वेदना से सेंसेशन से वो है तो है ही है। अगर आकाश धातु नहीं होती तो किसी चीज को तोड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। आकाश नहीं फील होता ना, आकाश कैसे फील होगा? आप अगर यू कैन सी इट इन अ वे देयर इज अ गैप, बट ये कैसे हम देख पा रहे हैं? क्योंकि ये बाउंड्रीज लग गई उसकी, अगर ये बाउंड्री हटा दी जाए या हम फिर भी तोड़ के आकाश की ओर देखें तो आकाश कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट ए डीलिमिटेशन ऑफ बाउंड्री। हमारी लिमिट है, हम ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, उसके बीच के जो गैप है स्पेस इन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड आकाश। तो उसको भी एक रियलिटी तो है, बट बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट ए कॉज ऑफ अटैचमेंट एंड इज इनफाइनाइट। अगर आकाश जो है वो फाइनाइट नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड। पृथ्वी धातु अग्नि धातु जो है उनके फाइनाइट लिमिटेशन है, पृथ्वी जो है वो लिमिटेड है, उसका इट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिडिटी। आकाश जो है वो इट इज ए क्वालिटी विच सेपरेट्स रूपा, रूपा के जो है धातु है रूप में उनके बीच में जो गैप है उसको आकाश है। ध्यान आई थिंक ए क्वेश्चन अरोज अबाउट दिस चेतना, तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की When we said that Chetana is a conditioned phenomena and therefore it does not belong to us, that is the ultimate truth. It does not mean, and it should not be interpreted to mean that therefore I can do anything. Because it does not belong to me, so let me do anything. Because that we should see, jo Bhasman Satya hai, उसको भी हमको रिस्पेक्ट करना है और अल्टीमेट सत्य के कॉन्ग्रुएंस में रिस्पेक्ट करना है। दी वी आर ट्राइंग टू वॉक ऑन द पाथ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, सो वी हैव टू ट्राई एंड सी दैट द कंडीशंस आर सच दैट वी हैव अ होलसम मोशन, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट अरहंत्स। It's only an arahant who is free from volition. He has no volition. Things are happening, function of chitta. So that's why we say that for him there is no choice, no function, no issue of any sankhara being created. But for all of us who are still uttrujanas, for them it's important that we respect the boundaries of Shila, the see the path clearly and see which choices will help in reducing suffering and which choices will help in increasing suffering, so that we don't do a mistake. And then take a plea that I am conditioned to do so.
कबूल नहीं हो सकता। जैसे काफी विदेश में इससे चर्चा हुई क्राइम को लेके, कि कोई क्राइम कर रहा है तो वो उसकी घर की परिस्थिति ऐसी थी, उसने ऐसे कर दिया, तो या किसी को बहुत वायलेंट क्राइम कर रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्यों हुआ, तो उसकी एनालिसिस की गई ब्रेन की, तो पाया गया कि उसके ब्रेन में ट्यूमर था जिसके कारण उसका कंट्रोल नहीं रहता था अपने ऊपर। तो अभी बात हुई कि ये जो क्राइम हुआ ट्यूमर ने किया कि इसने किया, तो क्या इसको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। दीज आर एथिकल डिलेमास विच हैपन, इज़न्ट इट? बट फॉर ऑर्डिनरी पर्सन्स व्हेन यू से, आई विल पुट इट इन अ जोक, आई थिंक दैट विल बी बेटर, नहीं वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कि अगर एक क्रिमिनल जज के सामने कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरा मैं तो अनंत में विश्वास करता हूँ, देयर इज नथिंग, नो मी नो माइन, सो एक्शन हो गया। सो मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? इसलिए हम तुम्हें सजा तो ना दे रहे हैं, शरीर तुम्हारा नहीं है ना, उसको सजा दे रहे हैं। तुम तो हो ही नहीं, शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं ना, से दे यू अंडरस्टैंड, तो तुम्हारे शरीर को जेल में रख रहे हैं, तुम्हें कुछ तुम्हें तो ना कुछ कह रहा है। सो यू कैन सी द डिलेमा इन्वॉल्व्ड इन फॉल्सिफिकेशन, कि हम जिस लेवल पे हैं, जो हमारा सत्य है, अगर मुझे इस समय शरीर के प्रति अपने 5 घंटे के प्रति अटैचमेंट है, तो उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना, दिस इज द रियलिटी ऑफ द मोमेंट एंड फ्रॉम देयर आई हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। तो उस समय के जो डिसीजंस होंगे, आई एम देयरफॉर माय डिसीजंस आर कंडीशन, सो आई हैव टू सी दैट द कंडीशंस आर सच दैट दे प्रमोट रिडक्शन ऑफ सफरिंग। सो वी शुड नॉट मिसइंटरप्रेट द फैक्ट दैट चेतना इज अ कंडीशन फैक्टर एंड देयरफॉर whatever happens is because of conditions, what can I do? But it may be true actually. It may be true under certain, जैसे मैंने example बताया कि किसी के brain में problem थी, वो condition हो गई ऐसी कि वो violence कर रहा है, तो उस case में genuinely identify किया गया तो उनको अलग treatment दिया गया। But for us as general normal human beings, we can't take that view. So we have to be very careful of not misinterpreting the fact that Chetana is a condition factor. So this was the Khanda problem. Now we have another paradigm of breaking the delusion of I. It is through Ayatana Tantra. वो Khanda problem तो हम अपनी analysis कर रहे थे, जो हमारा structure है body mind complex का। Ayatana problem में हम किस तरह संसार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, और किस तरह से हम उससे बंध जाते हैं, वो आयतन पर बंध है। लेट्स रीड दैट। तनुच परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सीवेरति छसु अर्जतिक बाहिरेषु आयतनेषु। ओके अगेन भिक्खुस, देयर इज भिक्खु प्रैक्टिस धर्मानुपासना विद रिस्पेक्ट टू सिक्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल आयतन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंस डोर्स। आयतन का मतलब एक्चुअली विंडो होता है थ्रू विच यू कैन सी। कथन चपा न भिक्ख वे भिक्खु धम्मेश धर्मानुपस्थित ये रखी छसु अजत बाहिर सु आयतने सु। आस्क द क्वेश्चन, हाउ डज इट, हाउ डज वन डू इट, एंड गिव द आंसर। इद भिक्ख वे भिक्खु चक्खुंच पजानाति रूपे च पजानाति यंच तदुभयं पतिच्चरुपज्जति संयोजनं तंच पजानाति। सो द भिक्खु नोज देर इज आई, भिक्खु नोज देर इज अ फॉर्म, एंड द पर्सन नोज हाउ इंटरेक्शन ऑफ द फॉर्म एंड द आई गिव्स राइज टू अ फैटर। तद उभयम, उन दोनों के पतिच डिपेंडेंस में उपज्जति पैदा होता है संयोजनम। संयोजन मतलब फैटर, जो हमको बांधता है, एक रस्सी समझ लीजिए, चेन समझ लीजिए। तंच पजानाति, उसको भी जानता है कि किस तरह चक्षु जब रूप के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से बंधन बनता है। तो इसी तरह बाकी सारी
इंद्रियों पे भी है, रूप सोतन से बजाना थी, गानन से बजाना थी, और एक इंद्रियों के द्वार पे उसी तरह से संयोजन बनते हैं, हम फटर्स बना देते हैं और बन जाते हैं उसके साथ, तो वो उसको जानता है। देन व्हाट एल्स इट वाज नोस, यथा च अनुपन्न से संयोजन से उत्पादो होती तंच बजाना थी, कि जब संयोजन उत्पन्न होता है, था तो नहीं संयोजन और फिर उत्पन्न हो गया, कैसे उत्पन्न हुआ उसको समझता है, किस तरह से मैं बंधन में बंध गया उसको समझता है। यथा च उत्पन्न से संयोजन से पहानम होती तंच बजाना थी, और जो फैटर पैदा हुई वो किस तरह से छूट गई, किस तरह से उसका प्रहान हो गया, किस तरह से वो खत्म हो गई, वो भी समझता है, वो भी जानता है। यथा से पहीन से संयोजन से आयतिम अनुपादो होती पंच पया, और किस तरह से जो फैटर जो था, जो रस्सी थी, बंधन था, वो चला गया और अब दोबारा उत्पन्न नहीं होता, कैसे क्या करा जाए जिससे कि जो बंधन छूट गया वो दोबारा ना उत्पन्न हो, उस बात को समझता है। तो ये उसका फर्दर एनालिसिस किया गया, और ये सब हर इंद्रिय पे है। फिर आगे जैसे देखेंगे सोतन च पजाना थी, नेक्स्ट पैराग्राफ है घानन च पजाना थी, जिह्वा च पजाना थी, कायन च पजाना थी, मनन च पजाना थी, हर एक सेम पैराग्राफ फॉर ईच एंड एवरी सेंस, एंड देन लास्ट ऑफ इट इज इति अज्जतंग वा धम्मेषु धम्मान सुपर्शी, मतलब वो भीतर बाहर करता है, उनके उदय व्यय को सब समझता है, एंड दैट्स हाउ द एवं भिखो भिखवे भिखु धम्मेषु धम्मान उपस्थिति, सो दिस हाउ इट इज डन, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट by reference to take one of the senses, and then same thing applies to others. एक इंद्रिय विदार पे अगर हम ये समझ लेते हैं तो फिर बाकी सब पे भी उसी तरह से प्रक्रिया होती है, और ये डायरेक्टली हिंट करती है प्रतिच्छ समुत्पाद की ओर, कि किस तरह से हमारे बंधन बनते हैं। कोई एग्जांपल देके देखते हैं, मान लीजिए हम वॉक पे जा रहे हैं और आँख से हमने कोई रूप देखा, कोई चीज़ देखी, तो क्या होता है, अभी जैसा अभी तो हम इतने बार चर्चा कर चुके हैं, चक्षु चपतिच्छ रूपे च उपद्यति चक्षु विज्ञानम, चक्षु विज्ञान जागेगा, तीनम संगति फस्स, तीनों का कोऑर्डिनेशन को कॉन्टैक्ट होगा, मतलब इन सबका हस्त बच्चे अवेदना, फिर वेदना जागेगी, मतलब हमने कोई रूप देखा तो या तो प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा या न्यूट्रल लगेगा, वेदना बच्चे तना, जो तना है वो बंधन है, बंधन जो है वो तना का ही बंधन है, कि वो क्रेविंग का हो सकता है या वर्षण का हो सकता है। तो बेसिकली ये प्रत्यक्ष समुत्पाद साधना है, जो इसको आयतन पब्बम जो है डिमांड्स दैट वी फॉलो द प्रत्यक्ष समुत्पाद एंड लोकेट किस तरह से बंधन बनता है, वो कहते हैं ना ही नोज बंधन कैसे बनता है, वो जानता है कि मैंने रूप देखा, ये मुझे प्रिय लगा और मन में राग जाग गया, और उस राग के प्रेरित होकर फिर बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। तो जैसे मैंने एक शायद पहले भी बताया था, एक सूत्र है मधुपिंडक सूत्र, जिसमें इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसको मैंने शायद यहाँ लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। चक्षुंच आवसो, आवसो मीन्स फ्रेंड, इज टॉकिंग, पतिच्च रूपे च उपद्यति चक्षु विज्ञानम, तिन्नम संगति पस्स, पस्स पच्चया वेदना, ओके दिस इज वी नो, देन ही पॉइंट्स आउट कि किस तरह से इसका बंधन जो है पड़ता ही चला जाता है। यम वेदेति तम संजानति, यम संजानति तम वितक्कति, यम वितक्कति तम पपंचति, यम पपंचति तत्तो निदानम पुरुषम पपंच संज्ञा संख्या समुदाचरती अतीत अनागत पच्चुपन्न धम्मेशु चक्षु विन्यसु रूपेशु, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हम वेदना होती है उस वेदना को फिर हम संज्ञान कर लेते हैं, उसका संज्ञा से एनालिसिस करते हैं, और जब वो संज्ञा से एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड थाट्स हैं वो भी आने लगते हैं, बिकॉज वी आर नॉट माइंडफुल, वी आर नॉट एबल टू स्टॉप the process, then he says, yam vedeti tam sanjanati, what one perceives that one thinks about, uske bare mein vichar karta hai, yam sanjanati tam vitakkati, aur jab us kisi ke bare mein sochne lagta hai to mind fir proliferate karne lagta hai, usse associated cheezein yaad aa jayengi, aapne kuch roop dekha, aapko priya laga,
फिर उस रूप और आपने उसके प्रति प्रतिक्रिया करनी शुरू हो गई, मन में संज्ञा जागी और उसने फिर सोचना शुरू कर दिया कि ये रूप अच्छा है, हाँ इस तरह के कपड़े अच्छे होते हैं, वो देखो मेरी बेटी भी ऐसे कपड़े पहनती है, मेरी पत्नी ऐसे कपड़े पहनती है, लेकिन वो फिर उसको ऐसे नहीं पहनने चाहिए, बहुत महंगे होते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। देन यू कैन गेट अ चेन ऑफ थॉट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन गो इन टू द थॉट राइट अप टू द शाउटिंग एट योर वाइफ इन योर माइंड कि वो ऐसे इतने खर्चा करती था कुछ और कहाँ से कहाँ प्रपंच चल गया। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रपंच संज्ञा संख्या, मतलब प्रपंच चलता है मन के अंदर और इस तरह से संयोजन जो है वो रस्सी जो है और बांधी जाती है, एक रस्सी हो गई फिर दूसरी फिर तीसरी फिर बिल्कुल बांध के रख देती है हमको, एंड देन वी आर कॉट इन द क्रेविंग मैकेनिज्म और अवर्शन मैकेनिज्म। सो द एज वी ऑल नो द क्रूशियल स्टेट इज आई विल जस्ट रीड आउट, क्रूशियल स्टेज इन द सीक्वेंस इज द अप्रेजल ऑफ द फीलिंग बाई द संज्ञा विच इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसिस एंड लेटेंट टेंडेंसीज डॉर्मेंट इन द माइंड। Cognitive training to view the experience in the light of its fundamental characteristics like impermanence and unsubstantiality can arrest this mental proliferation. This transforms sanya into anicca sanya and anatta sanya. क्या सुझाव दिया जा रहा है कि जैसे ही हम संन्या के प्रति सजग नहीं हुए और उसको बढ़ने दिया, वो उसने अपनी एनालिसिस अपने पुराने याददाश्त के आधार पे परसेप्शन के आधार पे उसको एनालिसिस करनी शुरू की तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन अगर हम उसको रोक दें हमारी संज्ञा अनिच्य संज्ञा बन जाए तो हम जैसे ही कोई वेदना जागती है और वो प्रिय लगती है एंड वी नो अनित्य भाई कुछ रस नहीं है इसमें, तो वो अनित्य संज्ञा उस प्रपंच को आगे बढ़ने से रोक देती है। तो जो वो कह रहे हैं कि ही नोज हाउ द फेटर विच इज अ रीजन कैन बी स्टॉप्ड, सो फ्रॉम सम and from this sutta we know how to stop it, be aware, now transform the sanya into anicca sanya, anatta sanya, then you are not taking things personally, you are not considering that the experience is pleasant or unpleasant, you say it is, you are feeling it is pleasant, unpleasant, but you also know it is impermanent, so don't allow it to get apne par havi hone mat do, priya to lag raha hai lekin hai to anicca, so itni si baat agar humko उस समय सूझ जाए तो वो प्रपंच चलना बंद हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द फैटर कैन बी स्टॉप्ड, जो बंधन है हमारा वो उस तरह से रुक सकता है। सो द सेम थिंग यू कैन सी इज अप्लाइंग टू दिस विल कैन बी डन ड्यूरिंग मेडिटेशन बट ऑल्सो मच मोर ड्यूरिंग डेली लाइफ बिकॉज यू going to interact with the world, I mean, with much more intensity in daily life. So, usually when I wrote the last paragraph, in daily life, this practice can greatly help us in improving interpersonal relationships. We recognize the arising of defilements in us and in others due to our misperceptions and don't impute these personally to others, just as we don't ascribe tanha whenever it arises within to ourselves. We know that the perception is governed by the conditions which one faces during life. It is impermanent and impersonal and liable to change through cognitive training. The resulting equanimity allows us to empathize with others rather than criticize. It sees the value of alternative perceptions and we can arrive at a harmonious solution even in difficult situations. So, जो अज्ञत बहिर्दा की बात है उसको उसके लाभ को बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम ये समझ जाए इसी तरह से तो दूसरा जैसे मेरे में प्रपंच चलता है वैसे दूसरे में भी चलता है, अगर मैं संज्ञा को अनित्य संज्ञा नहीं समझता तो वो दूसरा भी नहीं समझता, मैं समझता हूँ तो जो भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरा समझता है, मैं अनित्य बोध जगाता हूँ अनात्म बोध जगाता हूँ तो दूसरा जगाए ना जगाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं सचमुच में समझता हूँ कि जो हो रहा है वो अनित्य है और अनात्म है मेरा नहीं है तो जो भी परिस्थिति मेरे साथ खड़ी हुई है वो दूसरे के साथ भी हो रही है, तो अगर मेरे विकार मेरे नहीं है तो दूसरे के विकार दूसरे कैसे भी नहीं है ना, वो भी एक कंडीशन फिनोमेना है जो उसके उस समय विकार आराइज हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है हम जजमेंट ये करते हैं कि दूसरा तो ऐसा ही है, ये तो हमेशा ही ऐसे ही बोलता है, ये तो हमेशा ही गुस्सा करता है, ये तो हमेशा ही लड़ता ही रहता है या हमेशा ही इसमें राग बहुत जागता है, सो वी थिंक दैट अ पर्सन हैज़ kind of this defilement belongs to him.
जबकि अपने में हम समझते हैं कि नहीं ये तो कंडीशन अराइजिंग है, इस समय गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, बदलता रहता है, हमेशा तो मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, बट द सेम फ्रीडम वी डोंट गिव टू अदर्स एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम हैपेंस. सो इफ यू अलाउ द सेम फ्रीडम टू अदर्स देन विच कम्स इन द लाइट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, तो फिर दिक्कत नहीं होगी. अगर हम ये समझें कि जैसे किसी कंडीशन के कारण मेरे में गुस्सा आ गया, उसी कंडीशन के कारण उसमें गुस्सा आ गया, मेरा ऑफिस में बॉस है वो बहुत गुस्से में आया है और वो मैं उससे कुछ बोलता हूँ तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेडली बहुत रूड बिहेवियर करता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड इफ आई हैव सम क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन दैट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड दैट ही इज सो अपसेट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. सो वी डोंट अट्रीब्यूट a rude behavior with him forever. Ye to aisa hi hai. We understand that this is because of a certain condition. And no person will be always rude to everybody. No person will be always ill-behaved with everybody. So we therefore should not try to fixate that is prani ka to vyavhar aisa hi hai. Ye iski characteristic hi hai. This belongs to him. This vikara belongs to him. So that impersonality should be, that freedom should be given to others also. So that is what is being said here. So just as we said at the example of seeing, same thing applies at tasting, at smelling, at touching, at hearing, and we can see it happen. You hear some sound and some sounds create, there is a feeling, pleasant, unpleasant, and if you are not mindful that is impermanent, then we react and then we create craving. Or we create aversion, and that is like a fetter which holds us. उनको बांध देता है, उस पर प्रपंच चलेगा उसके बारे में, साउंड किसने चला दी, यहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं, साउंड क्यों आ रही है, हम ध्यान कर रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं, कितने गलत बात है, एंड स्टोरीज विल गो ऑन इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम देयर. सो इफ यू सी, मैं ध्यान कर रहा हूँ, साउंड आ रही है, इफ़ आई एम ए वाइज मेडिटेटर आई जस्ट यूज दिस साउंड. Let me just put my attention on it for some time. Put your attention on it for some time and see it is arising, passing away. Finished. Then its impact only will be reduced. Then you continue to work. So, कई बार आपने देखा होगा कि हम घर पे ध्यान कर रहे हैं, शोर मच रहा है, या कई बार सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे मुझे याद है एक बार लॉन्ग कोर्स में गए थे, तो जैसे ही हम गए वहाँ पे पैगोड़ा की रिपेयर शुरू हो गई. It was hammers were going on for 45 days. कई दिन तो हम द्वेष लगाते ही रहे, इनको अभी सूझा था, यही काम था, इनको पता था, शेड्यूल ये है वो है, ऐसे करे जा रहे हैं, एंड देन रियलाइज ये तो ख़त्म नहीं होने वाला, दिमाग मेरा जरूर खराब हो जाएगा. सो लेट मी ऑब्जर्व इट एंड सी द अराइजिंग ऑफ अवर्शन, एंड देन साउंड हो रही है, इट डजंट जस्ट डजंट मैटर वंस यू हैव सीन दैट ओके साउंड इज गोइंग ऑन, माई अटेंशन इज टुवर्ड्स ब्रेथ और टुवर्ड्स व्हाटएवर एल्स आई वॉन्ट टू, एंड व्हेनएवर आई वॉन्ट आई पुट माई अटेंशन टू द साउंड. So the since the fetter has not arisen, then it will not create problems for us. So no disturbance can create a problem. So-called disturbance can create a problem if we don't allow it to become a fetter. उसके प्रति संयोजन ना कर, संयोजन मतलब उसके साथ चिपकना, उसको हमको बांधने ना दें. तो बांधना बांधता कैसे है कि उसकी वेदना के प्रति हम या तो राग जगाते हैं या द्वेष जगाते हैं. तो जो प्रत्यक्ष समुत्पाद की बात है वो इस आयतन पर्व का बेसिक हिडन मैसेज है. Okay. Any other point? Which any question? If you wish to say. Cognitive training मतलब हम अपने मन को train कर रहे हैं ताकि वो वेदना को अनित्य जाने, उसके अनित्य स्वरूप के ऊपर ध्यान दे ज़्यादा, rather than उसके pleasant और unpleasant होने पर. ये ट्रेनिंग की बात है, सिखती है, हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. हम समझे जैसे अभी हमने इतनी चर्चा की कि वेदना कंडीशन फिनोमेना है, वो मेरी नहीं है. और अगर कंडीशन फिनोमेना के कारण तृष्णा जाग गई तो तृष्णा भी मेरी नहीं है, वो कंडीशन जाग गई. पन्या की कमी के कारण जागी या वेदना के स्ट्रांग होने के कारण जागी, तो जाग गई, पर्सन भी नहीं ले रहे. तो दिस इज इट कॉग्निटिव ट्रेनिंग, मतलब हमको बार 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 अभ्यास करना पड़ेगा. तो बार बार अभ्यास करेंगे तभी ये हमारे मानस में ये हैबिट बनेगी कि हम अपनी वेदना को प्रिय अप्रिय तो लगेगी, उसका तो कुछ कर नहीं सकते,
लेकिन उसके साथ साथ उसके अनित्य होने को समझ लें, उसके अनात्म होने को समझ लें, तो फिर उसका प्रपंच नहीं चल पाएगा, वहीं रुक जाएगा। और जितना ज़्यादा अनित्य बोध जागेगा, फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि वो प्रिय अप्रिय भी नहीं बन जाएगा, सिर्फ अनित्य ही जागेगा, दूसरा विचार ही नहीं आएगा कि ये प्रिय है कि अप्रिय है। बट दैट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको इतनी ट्रेनिंग हो गई कि वो भाव ही हट गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल घर कर गई मानस में, सब अनित्य है भाई, तो अनात्म है, मेरा नहीं है। देन यू आर इन ए पोजिशन टू, देन द ट्रेनिंग इज कम्प्लीट। इस संदर्भ में गिरिमानंद सूत्र मैंने शायद कहीं लिखा हुआ है, उस लिखा उत्तर निकाय 10.60, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से ये मधुपिंडक सूत्र भी बहुत अच्छा है, मध्यम निकाय में 18वां सूत्र लिखा हुआ, नंदा रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसको भी अगर आप पढ़ लें तो बहुत लाभ होगा साधना में। दोनों सूत्र पढ़ने से साधना में काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि वो डिफरेंट संन्याय क्या हैं, कैसे उसको समझा जा सकता है, और प्रपंच कैसे चलता है, किस तरह से हम बंधन में बंध जाते हैं, वो उस मधुपंडक सूत्र में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, वो भिक्खु बोधि की जो बुक्स हैं उनमें ट्रांसलेटेड है, तो उसमें मध्यम निकाय भी अवेलेबल है, अंगुत्तर निकाय भी अब अवेलेबल है, और संयुक्त निकाय अवेलेबल है, दीघ निकाय किसी और ने, मारुष व्याल ने ट्रांसलेट किया, वो भी रीजनेबल है, उतना अच्छा नहीं है बट रीजनेबल है, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, शायद अनिल को मालूम होगा, इंग्लिश का तो मुझे मालूम है, और वो ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है, काफ़ी मतलब 99% ठीक है, क्योंकि भिक्खु बोधि साधक भी थे और स्कॉलर भी हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छी, जनरली इस समय इंटरनेशनली वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं ट्रांसलेशन। इज द राइटर एंड वो दे आर अवेलेबल, आप उसको अमेजन से मंगा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, और अगर क्वेश्चंस कोई प्रश्न हो इस बारे में तो बताएं, अगला सत्र का अगला पर्व करते हैं। धम्मानुपश्यना भोजंग पम्पम पुनच परं विक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी वेरति सप्तसु भोजंगेषु, सात भोजंगों के बारे में कैसे करते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, फिर कहते हैं उसका जवाब देते हैं। यद भिक्खवे भिक्खु संतंग वज्झत्तंग सती संभोजंगम अथि में अज्झत्तंग सती संभोजंगम भी पजानाति, तो जानता है कि मेरे में इस समय सती है, तो उसको जानता है हाँ इस समय सती प्रतिष्ठित है। असंतंग वज्झत्तंग सती संभोजंगम अथि में अज्झत्तंग सती संभोजंगम पजानाति, ध्यान दीजिए इस बात पे, कहना है कि वो जानता है कि कोई सती वती कुछ नहीं है इस समय, तो वो परेशान नहीं होता उसको जानने, इस समय सती नहीं है, एंड ही एक्सेप्ट्स इट, एंड द मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ दैट विल ब्रिंग बैक द सती। जस्ट एक्सेप्टेंस कि मेरे समय मन बहुत बेचैन हो गया है, मैं उसको जान लिया कि मन मेरा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गया, विक्षिप्त हो गया, तो उस प्रोसेस को जानना ही सती को वापस लौटा देता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। यथा च अनुपन्न से सती संभोजंग से उत्पादो होती तंच पजानाती, किस तरह से जो सती नहीं है किस तरह से उत्पाद होती है, किस तरह से आती है उसको जानता है। यथा च अनुपन्न से सती संभोजंग से भावनाएं पारी पूरी होती तम से सजानाती, और किस तरह से उस सती की भावना पूरी होती है कि और प्रतिष्ठित होती चली जाती है, किस तरह से क्या करें कि वो प्रतिष्ठित होती चली जाए वो भी जानता है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट, एंड एग्जैक्टली सेम थिंग इज रिपीटेड अबाउट अदर फैक्टर, दूसरे जो भोजंग हैं उनके बारे में भी वही बातें कहेंगी। पहला जैसे सती है, दूसरा है धम्मा विचय, तीसरा है वीर्य, चौथा है प्रीति, पांचवा है प्रसद्धि, छठा है समाधि, सातवा है उपेक्षा। तो दीज सेवन भोजंगास वन हैज टू प्रैक्टिस
कि इनका प्रेजेंस है एब्सेंस है एंड देन बी अवेयर ऑफ देम एंड देन अगेन वही जो हमारा स्टैंडर्ड है फॉर्मुलेशन रिफ्रेन इति अज्जत तंगवा धम्मेषु मतलब ये अपने अंदर भी देखता है तो बाहर भी देखता है फिर उनके अराइजिंग पासिंग अवे भी समझता है दैट इज व्हेन ही डज दिस ऑल दिस देन ही इज प्रैक्टिसिंग जो लास्ट सेंटेंस है उसको अच्छा रहता है पढ़ने को एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु इस तरह से वो भिक्खु भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति इस तरह से भिक्खु धम्मानुपस्सी भुजंग पब्बम का काम करता है तो ये उसका ब्रॉड स्कोप है ट्रांसलेशन का कभी जो किया हुआ है वो मैंने बोल दिया है देन वी कैन सी व्हाट आर द मेडिटेशन इंस्ट्रक्शंस करेंगे क्या लेट मी रीड इट आउट फॉर सेक ऑफ क्विकनेस बिकॉज टाइम कम रहेंगे The awakening factors are the positive counterparts of the hindrances which arise during meditation. जैसे निवरण पब्बम था एक तरह जिससे हमको रोकता था ये है जो हमको आगे बढ़ाएगा While meditators works towards elimination of hindrances, the awakening factors need to be cultivated and strengthened. Like the earlier sections of Dhammanupassana, here too, practice involves becoming aware of the arising of these factors during meditation. The default object of contemplation could be breath, somatic sensation, or anything, even corpses and even the metta. You could practice on any of those, according to the commentaries. But whenever the mental factor arises, of bhojanga arises, just become aware of it. When a factor is not present, one notes its absence, and when it arises, one notes its presence. As also the causes which help it to arise. So this will become evident to us because when you meditate for a long time. उनको स्वयं ही मालूम पड़ने लगेगा कि देखो इस कंडीशन से ये भोजन जाता है ऐसा कंडीशन से भोजन जागा हुआ भोजन भी समाप्त हो जाता है सो देन बाई प्रैक्टिस यू नो बट जो मास्टर्स रहे इतने हजारों वर्षों तक उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे उनको एडवाइस दी है भाई माइंडफुलनेस जगानी है तो ये सब करो धम्म विचार जगाना है तो ये सब करो ये उसकी कंडीशन है तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पे कमेंट्री से लिख रखी हैं ताकि साधक उनको सजग होकर देख ले क्या कंडीशन है जिससे कि हम इन सारे भोजंगों को बढ़ा सकें तो मैं वो कंडीशंस पढ़ लेता हूँ माइंडफुलनेस के लिए क्या सती के लिए कंडीशन है सस्टेन्ड प्रैक्टिस विद क्लियर नॉलेज केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू अनेबल क्लियर परसेप्शन मैंने पहले भी बताया थिर संज्ञा जो है सती को बहुत महत्वपूर्ण होती है इसीलिए कहा जाता है कि और ध्यान से देखिए सांस इधर से आ रहा है जा रहा है पहले तो कहते हैं सिर्फ सांस आ रहा है जा रहा है उतना ही देख लो फिर कहा जाता है कि अच्छा लंबा है कि गहरा है छछरा है वो देख लो फिर कहा जाता है इस नासिका के द्वार से जा रहा है इधर से ताकि वो उसका अटेंशन और स्ट्रांग होता चला जाए फिर जैसे हमने कहा कि सांस कितनी देर तक जा रहा है कंटिन्यूसली इसको जाने रहो जब रुक गया तब जान जाओ सो ऑल दीज आर एक्सरसाइजेस टू मेक संन्या स्ट्रांग एंड देट ऑल्सो हेल्प्स अस इन इंक्रीजिंग माइंडफुलनेस क्योंकि हमको ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है जितना अलर्ट होंगे उतनी हमारी सती पुष्ट हो जाएगी और मेन मैथड तो माइंडफुलनेस कल्टिवेट करना क्या है तो उसका अभ्यास करते रहें जितना अभ्यास करेंगे उतना वो प्रतिष्ठित हो जाएगा उतना वो भावना उसी पूरी हो जाएगी भावनाएं पारी पूरी जैसे लिखा था देन वी कम टू इन्वेस्टिगेशन धम्म विचय धम्म विचय जो है वो एक तरह से पन्या का ही दूसरा नाम है उसके पन्या को अमोहा भी कहा गया उसमें अभिधम्मा में धम्म विचय भी कहा गया समाधिट्ठि भी कहा गया बेसिकली डिफरेंट नुआंसेज ऑफ द सेम मेंटल फैक्टर सो उसके लिए क्या फैक्टर बताया रिफ्लेक्टिंग ऑन द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ धम्मा जो आपके अनुभव हो रहे हैं जो भगवान की टीचिंग है उसके डीपर एस्पेक्ट से रिफ्लेक्ट करना चाहिए पर्यत्ति दैट इज देन बैलेंसिंग द फाइव फैकल्टीज ये पांच जो इंद्रियां हैं उनको ठीक से बैलेंस करना आवश्यक है तो पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं मैंने इसमें भी लिखा हुआ है श्रद्धा वीर्य सती समाधि और पन्या ये अभी पांच इंद्रियां हैं इनका बैलेंस होना चाहिए अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर माइंडफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि मन जो है एजिटेट करने लगता है कैसे किस किस को बैलेंस करेंगे कॉन्फिडेंस जो श्रद्धा है उसको पन्या के साथ बैलेंस करना पड़ेगा श्रद्धा है और पन्या नहीं है तो वो अंधश्रद्धा हो जाएगी मन बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगा और विजडम है कुछ लेवल तक और श्रद्धा नहीं है तो आपको आगे चलने नहीं देगी यू नॉट वॉक ऑन द पाथ यू बिकम ए स्कॉलर यू नॉट वॉक ऑन द पाथ सो दो बोथ ऑफ देम हैव टू बी प्रेजेंट सिमिलरली एनर्जी है वीर्य है
और कंसंट्रेशन, दे बैलेंस ईच अदर. बहुत ज़्यादा वीर्य है, बहुत एनर्जी है, कंसंट्रेशन नहीं है तो रेस्टलेसनेस हो जाएगी, और कंसंट्रेशन है, वीर्य नहीं है तो नींद आना नहीं. दिस इज टॉर्पर एंड दिस, बिकॉज ट्रैंक्विलिटी हो रही है, एनर्जी है नहीं, सो यू बिगिन टू स्लीप, यू गेट टू स्लॉथ एंड टॉर्पर. सो दोज टू हैव टू बी बैलेंस. जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट रिमेंबर. बिकॉज अगर आपको धम्मा इन्वेस्टिगेशन करनी है, यू टू इंक्विज, जैसे बार बार हमने यहाँ कल देख रहे हैं कल से, बट वी शुड ट्राई टू बी इंक्विजिटिव, फाइंड आउट वॉट इज गोइंग ऑन. एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी हम उससे कुछ सीखेंगे. तो इन्वेस्टिगेशन तभी पॉसिबल है जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच वी शुड कीप इन माइंड. सो ये कंडीशन हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग हो जाएगा. और सरप्राइजिंगली बॉडीली क्लीननेस इज ऑल्सो मैंशनड एज अ फैक्टर. दैट इफ यू वन इज नॉट बॉडीली क्लीन, इट सम हाउ डजेंट अलाउ द माइंड टू बी स्टेबल एंड टू दी, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब माइंड बिल्कुल स्टेबल होगा. अगर माइंड खुद ही एजिटेटेड है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा. देन द थर्ड फैक्टर इज एनर्जी, एंड एनर्जी जो है मतलब एंथुसियाज्म हो, जील इज अनदर ट्रांसलेशन ऑफ वीर्य, मतलब एक मोटिवेशन टू रियली वॉक द पाथ. वो मोटिवेशन जो है उसके लिए एनर्जी है, वो कैसे आती है उसके लिए, ये भी बहुत आवश्यक सब हम सब के लिए. रिफ्लेक्टिंग ऑन द फियरफुलनेस ऑफ वोफुल प्लेन्स, मतलब अगर हम ये चिंतन करें कि अगर हम किसी नीचे वाले योनि में पैदा हो गए तो क्या होगा, हमारा कितना कष्ट होगा और कितना हम संसार चक्र में फंसते चले जाएंगे, उससे निकलना कितना मुश्किल है. सो रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट गिव्स अस ए मोटिवेशन कि नहीं नहीं हमको इतना तो करना चाहिए कम से कम, या दो गति में ना जाए, इतना तो कर लें. सो दैट गिव्स अस एनर्जी टू वॉक ऑन द पाथ. देन वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वॉकिंग ऑन द पाथ दैन टू अदर थिंग्स, क्योंकि हम सामान्यतः संसार के काम को बहुत महत्व देते हैं, कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एनर्जी जो है उस डायरेक्शन में चली जाएगी. यू शुड अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज ए एथिकली न्यूट्रल फैक्टर. एथिकली न्यूट्रल मतलब ये इट कैन बी एसोसिएटेड विद कुशल चित्ता, इट कैन बी एसोसिएटेड विद अकुशल चित्ता. तो एनर्जी डकैती के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए, और साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए भी एंथुसियाज्म चाहिए. तो साधना के मार्ग पर एंथुसियाज्म तभी आएगा जब ये सब करना है. पैसे कमाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन वो राग से प्रेरित है, और ये प्रेरित है तन्या से, विजन से. तो उसके लिए बढ़ाने के लिए ये सजेशंस दिए गए कि आप बीच बीच में रिफ्लेक्ट करिए कि जो अधोगति के लोग हैं उसमें जन्म कैसा होता है. तो अपने पेट डॉग को ही देख के आप पता चल सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द डॉग इज नीडिंग एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ आई वाज टू बी रीबॉर्न एज अ डॉग इन द नेक्स्ट लाइफ. सो दैट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ मॉरल फियर. It's a positive quality of that kind. Then seeing the benefit of effort in that direction, reflecting on the inspiring qualities of the Buddha, Dhamma and Sangha. That's also very important. That's why it is recommended to do the Tiratana Vandana and all that. And then reflect on it. When we say Titiso, Bhagava, Arahan, then what does it mean, Arahan, Samma, Sambuddha, Sugato, Lokavidu? Now if you reflect on each of these qualities, they give a great enthusiasm. Man karta ki hum bhi is tarah se is marg pe chale. Then we read about the qualities of Sangha, Supatipanno, Bhagavato, Savaka, Sangho. So theek tarah se achhe marg pe chal rahe hain. Ujupatipanno, straight marg pe chal rahe hain. Nyayapatipanno, Nyaya, Gyan ke marg pe chal rahe hain. Then that gives us a motivation. So when you reflect on these qualities, इट मोटिवेट्स कि हम भी इस पाथ पे चलें. तो वो मोटिवेशन ही एनर्जी देगा हमको उस पाथ पे चलने के लिए. एंड ऑफ कोर्स फॉर मॉन्क्स इट इज रिटन ऑनरिंग द ऑफरिंग्स वन हैज रिसीव्ड. इट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मॉन्क लाइफ कि मॉन्क को रिफ्लेक्ट करने को कहा जाता है. टू सम एक्सटेंट वी कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन दैट मैनर, नॉट फुल्ली बट पार्टली, दैट व्हेन समबडी इज ऑफरिंग अस ए फूड, ऑफरिंग अ फूड टू अ मॉन्क, he is told that he is offering the food assuming that you are a good practitioner, you are going to follow the Shila, you are going to follow the Vinaya, you are going to follow the practice, you are going to cultivate all that,
And the fact that a person is donating from his food to you should make you extra vigilant that I should work strongly, I should work deeply to, so that this offering becomes fruitful. क्योंकि अगर offering ऐसे monk को करेंगे जो कि शीलवान नहीं है, उसका उतना फायदा नहीं हुआ. और एक monk offering of एक अरहंत को करेंगे, it will be a great fruit. So keeping that in mind, monks are advised कि क्योंकि आप समाज पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, तो आपको उसी तरह का आचरण करना चाहिए. And that gives the energy to work on the path of meditation. So we can also, when we are meditating in a retreat, for example, we are virtually dependent on the offering from others. So we can also use that as a method to increase our energy level, the to volition and zeal to work, practice to work. So this is the third mental bhujanga, the factor, third factor. Then fourth is piti, which is translated as joy, sometimes as rapture. And the factors which are recommended, which help in increasing priti, are punyanusati, recollecting one's virtues. अपने शील के बारे में रिकलेक्ट करें, अपने पुण्यों के बारे में रिकलेक्ट करें, तो उससे मोह जागता है. मोह जागता है, प्रसन्नता जैसा जागेगी तो माइंड प्रफुल्लित हो जाएगा, तो प्रीति का अनुभव होगा. देन रिफ्लेक्टिंग ऑन द बुद्ध, धम्म एंड संघ, इट्स क्वाइट क्लियर. एंड द पीस ऑफ रियलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंस्पायरिंग डिस्कोर्सेस. तो ये जो डिस्कोर्सेस, जैसे मैंने दो तीन का नाम लिया, अगर आप उनको सचमुच में पढ़ें तो बहुत प्रसन्नता जागती है. दैट अ पर्सन कैन हैव सच क्लैरिटी ऑन धम्म, एंड दैट अ पर्सन कैन एक्सप्लेन इट, and that if I follow this path, I can also become like that. So that gives a great joy. और वो जो joy है, वो एक factor of enlightenment है. क्योंकि अगर joy नहीं होगी, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. समाधि नहीं होगी. Joy is a precondition for samadhi. So happiness actually is a precondition. And from joy comes happiness and peace. So we have to understand that with a very unhappy mind, you can never get concentration. समाधि नहीं हो सकती. एंड प्रीति के बारे में भी आई थिंक क्वाइट ऑफन वी आर वी कैन बी मिस्टेकन. प्रीति इज ऑल्सो ए एथिकली न्यूट्रल फैक्टर. सो प्रीति कैन बी होलसम एज अनहोलसम. जैसे एनर्जी अनहोलसम अनहोलसम हो सकती है, एनर्जी का तो क्वाइट क्लियर है. प्रीति भी अनहोलसम कारण से भी जाग सकती है. कोई चोर चोरी करने जाता है और देखता है दरवाजा खुला हुआ है, सो हैप्पी, मुझे कुछ करना ही नहीं है, एवरी थिंग इज डन. प्रीति जागेगी उसमें, वो अकुशल प्रीति. तो वी हैव टू बी केयरफुल. कि कई बार हमको लगता है कि साधना करते करते, जैसे कल मैंने निवेदन किया था, साधना करते करते दुखद संवेदना चली गई, सुखद आ गई, तो हम समझते हैं कि हमारे विकार निकल गए. आवश्यक नहीं है. हो सकता है कि राग जाग रहा है, उसके कारण सुखद संवेदना आने लग गई. इसी तरह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है किसी बात को याद करके, तो हो सकता है कि वो राग से प्रेरित हो. इट मे नॉट बी ए होलसम प्रीति. सो वी हैव टू बी, वो इतना सजग रहने की आवश्यकता है कि प्रीति भी होलसम होनी चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रशांति और ट्रैंक्विलिटी. उसके लिए जो फैक्टर्स हैं विच आई थिंक वन कैन इजिली सी, कम्फर्टेबल पॉस्चर, एग्रीएबल वेदर, गुड फूड. की थिंग इज बैलेंस्ड बिहेवियर. अगर बिहेवियर बैलेंस्ड होगा तो चित्त शांत रहेगा, नहीं तो अनबैलेंस्ड बिहेवियर होगा तो चित्त शांत नहीं रह सकता. देन कंसंट्रेशन, अगेन दिस की थिंग इज मेंशन, बैलेंसिंग द फाइव फैकल्टी, जो हमने ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहा था. क्योंकि जिससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी इन्वेस्टिगेशन भी संभव ठीक से हो पाता है. तो इसलिए वो भी, उसके लिए वो भी वही कंडीशन है. And then the skill in taking up signs of concentration. This is mentioned from the point of view of jhanas. If you have to practice jhanas, जो निमित्त पैदा होते हैं ध्यान करते करते, उनको किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में स्किल होनी चाहिए. Then skill in restraining, inspiring, gladdening and non-interference with the mind. Basically, how to make the mind happy, because these are the prerequisites. मन प्रसन्न होगा, शांत होगा, तभी concentration बढ़ेगी. तो ये उस sense में बताया गया.
reflecting on the attainment of absorption, this is again for jhana, then bodily cleanliness is again mentioned there as a factor. And finally, equanimity, detachment towards people, and the key thing is understanding the principle of karma, ownership of karma, understanding that karma is what really determines whatever we experience in our life and what others experience in our life. And from that, a great amount of equanimity can come. So, ye sab factors hain jo help karte hain humko in strengthening the bhojangas. And I think one last comment I would make is that these bhojangas arise in sequence. You cannot have tranquility without mindfulness. So, mindfulness is the first and therefore the foremost. जब माइंडफुलनेस होगी तभी धम्म विचय हो पाएगा, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है. मन अगर हमारा सजग नहीं है और हमारी सती प्रतिष्ठित नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन का चांस ही नहीं है कि मन में क्या उठ रहा है और क्या हो रहा है, वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे. जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस इन्वेस्टिगेशन करने से जो प्रसन्नता जागती है, देखो मैं मन को ठीक से देख पा रहा हूँ और मैं और कोशिश करता हूँ तो और ठीक से देख पाऊँगा, दैट इज़ वॉट गिव्स राइज टू एनर्जी. सो वेन वी आर माइंडफुल एंड वी इन्वेस्टिगेट एंड वी आर सक्सेसफुल इन इन्वेस्टिगेशन, दैट क्रिएट्स एन एंथुसियाज़्म, नो नो आई शुड डू मोर एंड देयरफॉर आई विल बी एबल टू सी द माइंड मोर क्लियरली, मैं मेरी प्रज्ञा और ठीक से जाग जाएगी, चलो और मेहनत करते हैं. एंड वेन दिस हैपन्स दैट गिव्स राइज टू हैप्पीनेस, जॉय. हाँ, सी आई एम एबल टू डू दैट, आई एम एबल टू ऑब्जर्व द मेंटल स्टेट्स एज दे अराइज. And I am also able to observe that by observation these mental states subside. So it gives a joy. Oh yes, I am doing something good. There is nothing wrong in that. But of course it should be balanced. It should not become a craving. It should remain as a level of a joy and preeti. And when that joy is seen again and again for long periods of time, then the mind becomes tranquil. It no longer gets happy and extra happy about that. It says that fine, things are happening. So then tranquility comes in. And tranquility is the key condition for concentration. Because when the mind is tranquil, it means it's not going here and there. It doesn't want to go anywhere. Then concentration becomes very easy. And the mind is happy. And in another discourse, sukha is said to be a condition for tranquil, for concentration. Sukha means happiness. Mind is peaceful, sitting nicely, tranquil, no agitation of any kind. Concentration immediately will happen. There will be no problem at all. And when concentration is there, then equanimity will be possible. If the mind is not concentrated, then the chances of equanimity are very limited, because the mind is going from here, then to here. The possibility of reflection on the law of karma is quite tough when the mind is not concentrated. So, and that's how these bhojangas, ek ek karke, anupulli tarah se, gradual marks, they keep on increasing. Okay. Any comments or questions on that? Sangha means this sense may elaborate karun sir. I think it is helpful to understand that. It's very helpful actually. What does Buddham Saranam Gacchami mean? Is it Siddhartha Saranam Gacchami? What does it mean really? It means that I take refuge in the quality of Buddha. What is that quality? Awakening. Awareness. So when I practice awareness, I am taking refuge in Buddha. Isn't it? So the refuge in Buddha means इट शुड गिव मी अ मोटिवेशन कि मैं सजग रहने का प्रयास करूँ. भगवान ने यही कहा था ना, आई एम अवेक. सो इफ आई एम ऑल्सो बिकम अवेक, देन आई एम रियली गोइंग टू द बुद्धम शरणम गच्छामि. तो अवेकनिंग का मार्ग क्या है? बीइंग मोर एंड मोर अवेयर. सती बढ़ती जाए तो हम अवेकन हो जाएंगे. तो जितना हम सतीवान बनेंगे, जितनी हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, उस हद तक हम बुद्ध की शरण जा रहे हैं. देन धर्म की शरण जा रहे हैं. धर्म का क्या मतलब? कि जो इस समय
द वे इट इज, जो भी हो रहा है मैं उसको जान रहा हूँ. क्योंकि अभी सारा सती पठान हमने पढ़ा कि सिर्फ जानकारी ही सक्षम है बाकी सारी जो हमारे विकार हैं उनसे मुक्ति के लिए. तो धम्मम शरणम गच्छामि का जो प्रैक्टिकल स्वरूप ये हुआ दैट वी टेक रिफ्यूज इन द थिंग्स एज दे आर, वट एवर इज वी एक्सेप्ट इट फॉर वॉट इट इज, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ रियलिटी एट द मोमेंट. एंड इफ यू एक्सेप्ट इट देन वी आर रियली गोइंग धम्मम शरणम गच्छामि. संगम शरणम गच्छामि क्या मतलब हुआ? संग किसको कहा? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग. तो जो भगवान की शिक्षा शिष्य है और ठीक तरह से उस मार्ग पर चल रहा है, उजू पटिपन्नो न्याय पटिपन्नो, मतलब वो भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो ठीक से चल रहा है वो संघ है. तो अगर मुझे उस संघ के शरण जाना है तो मुझे भी उसी तरह से ठीक तरह से मार्ग पर चलना चाहिए. सो संगम शरणम गच्छामि शुड बी इंटरप्रेटेड एज आई विल गो टू द रिफ्यूज ऑफ संघा वेन आई फॉलो द पाथ जस्ट एज दे फॉलो, जस्ट एज दे वॉक ऑन द पाथ प्रॉपरली, दे वॉक ऑन द पाथ डायरेक्ट पाथ, they walk on the path with their clarity, I will also walk on the path. So when I walk on the path, जब मैं कह सकता हूँ मैं संघ की शरण जा रहा हूँ. संगम शरणम गच्छामि का, और क्योंकि वो पॉसिबल है उसको मूर्त रूप भी दिखा जा सकता है. आई फाइंड ए अरहंत और आई फाइंड ए भिक्षु हु इज नोबल वन एंड देन आई सी हिम कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से साधना करते हैं, देन आई रियली देन आई हैव a form also available as a sangha whom I can emulate, as a idol whom I, whose path I can follow. So sangam saranam gachhane ko dono hi sense mein liya ja sakta hai, lekin agar nahi hai to I can just by walking on the path as laid down by the Buddha I am actually taking refuge in the sangha. So this is the implication of that. That's why the reflection on Buddha Dhamma Sangha will be helpful when you reflect it in this manner. Anybody who is walking is will be a sangha. The that is called bhikkhu sangha. This is called puthu jana sangha. Lay people sangha, and it's not necessary it should be puthu jana sangha. It can be there may be sotapannas among lay people. There may be anagamis. There may be sagdagamis. Arhants usually, if a lay person becomes an arhant, the tradition says he will then become a bhikkhu. He will not be able to live in a family life and arahant. But till that time, one can live in a family life. So, even a lay sangha can be a sangha of noble ones. Okay. Then we have this last section of Satipatthana. Now, what I have taken is the Majjhima Nikaya 10th Sutta, which is the Satipatthana. In Dighi Nikaya, there is a Mahasatipatthana. And the difference there is that this last section, very last section of Noble Truths, Satcha Pabbam, is given in full detail. So there the explanation of what is suffering is given, what is the meaning of death, that is given. So each and every word is explained in full detail. The key operative part is of course here, this one which is in the Satipatthana also. There are some more operative parts there which if time permits you can take up in the afternoon for some time maybe if you feel necessary. But I think if you understand that is good enough really for our practice. Dhammanupasana Satcha Pabbam Punacha Param Bhikkhave Bhikkhu Dhammesu Dhammanupassi Verati Chatusu Arya Satchesu. He's saying, yes, again bhikkhus, a bhikkhu practices four arya satyas, dhammanupasana of four arya satyas. What are they? Kathamcha pana bhikkhave bhikkhu dhammeshu dhammanupassi virati chatusu arya satyesu. How does he do it? The questions, then give the answer. Idu bhikkhave bhikkhu idam dukkhanti yathabhutam pajanati ayam dukkha samdayoti yathabhutam pajanati ayam dukkha nirodhoti यथाभूतं पजानाति अयम दुख निरोध गामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति. दैट इज द ऑपरेटिव पार्ट. व्हाट डज इट मीन? इदं दुःखं ति
यथाभूतम पजानाति, व्हेन इट इज हैपनिंग, यथाभूतम जैसे हो रहा है तब वो जानता है कि ये दुख है। तो पिछले दिनों कई बार हमने इसकी चर्चा भी की कि प्रथम आर्य सत्य का कितना महत्व है सारी साधना के लिए। तो वही बात यहाँ हमें समझा रहे हैं कि पहला आर्य सत्य का मतलब है इदम दुखम थी यथाभूतम पजानाति, जब दुख हो उस समय वो जानता है कि ये दुख है। देन अयम दुख समुदयो थी, और ये दुख का कारण है, दुख का ओरिजिन इस कारण से हो रहा है। उसको जब वो हो रहा है दुख तब समझता है, इसलिए यथाभूतम हर जगह उसको ऐड किया गया। अयम दुख निरोधो थी यथाभूतम पजानाति, जब दुख का निरोध हो जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है, तब भी सचमुच में समाप्त हुआ उसको अनुभव कर रहा है, जानता है हाँ ये दुख का निरोध हो गया। अयम दुख निरोध गामिनी पटिपदाति, और जब दुख निरोध के मार्ग पे चलता है तो जानता है हाँ ये मार्ग दुख निरोध का है, अपने अनुभव से जानता है कि ये इस मार्ग पे चलने से दुख निरोध हो रहा है। तो ये ऑपरेटिव पार्ट है नोबल। उसके बाद तो वही जो स्टैंडर्ड है कि अंदर बाहर भीतर बाहर दोनों अज्जत इति अज्जत तंगवा धम्मेश धम्मानुपस्सी विहरति, बहिर्दावा धम्मेश धम्मानुपस्सी विहरति, बोथ इंटरनली एक्सटर्नली, एंड देन समुदाय धम्मानुपस्सी धम्मेशु विहरति वय धम्मानुपस्सी। सो दिस इज द राइजिंग एंड पासिंग अवे इन रिगार्ड टू दिस फिनोमेना दिस धम्मास, एंड ही डज इट टिल सच टाइम एज व्हाट डज इट व्हेन डज इट कल्मिनेट अति धम्माति। ये सिर्फ धर्म है, दुख है कि दुख का जागना है, ये भी धर्म है, जागते रहते हैं जाते रहते हैं। दे आर ऑल ट्रांजिएंट, दे आर ऑल इम्परमानेंट, डोंट टेक देम पर्सनली, दे डोंट बिलोंग टू मी। मेरा मैं दुखी नहीं था, ये दुख था, दुख उठा उसको जान लिया खराब हो गया, कोई बंदा यहाँ पे नहीं है जो दुखी है। इदम अति धम्माति वा पनस्य सती बच्चु पठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ता है पटिसती। मतलब एग्जैक्टली सेम थिंग, ही प्रैक्टिसेस टिल सच टाइम एज ही केवल इस बात का ज्ञान है और सती है, निरंतर सती है कि ये दुख है और ये दुख उठता है, एक धर्म है, एक एट्रीब्यूट है मन का जो उठता है और समाप्त हो जाता है, वो किसी को बिलोंग नहीं करता है। So that is the key crux of the whole part of it, the Satcha Pabham. So let me read the instructions straight so that the time is not asked. This contemplation suggests viewing the subjective experience in terms of the paradigm of Four Noble Truths. The first noble truth suggests that all subjective experiences are unsatisfactory in view of their conditioned nature. This can be seen vividly during formal meditation when dukkha arises as one experiences unpleasant sensations. This is evident, but the second part is equally important. Or when pleasant sensations cease. Pleasant sensations ho rahi thi aur bahut aur samapt ho gayi, to spasht lagta hai ki ये भी दुखी है, बदल गई और उसके प्रति अगर एडिक्शन हो गया, अटैचमेंट हो गया तो उतना ज़्यादा दुख होगा। तो जब बार बार इस तरह से करते हैं, प्रिय संवेदना आ रही है, जान रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और उसको एंजॉय कर लिया, फिर वो समाप्त हो गई, फिर बुरा लगता है, देन एट दैट टाइम यू शुड बी अवेयर एकदम दुखम थी, ये दुख है। सो देन इफ यू मेक दैट मेंटल नोट, इट मीन्स हम आर्य सत्य को पहचान रहे हैं। केवल अप्रिय संवेदना से ही दुख नहीं है, तो ये संवेदना भी दुख है, तो वो भी हम जानते हैं। और व्हेन द माइंड वांडर्स अवे इनटू डिस्ट्रेसिंग और एंजॉयबल थॉट्स, आप साधना कर रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, मन भटक गया और कभी बहुत बेचैनी का विचार आ रहा है, कभी बहुत एंजॉयबल विचार आ रहा है, और फिर जब सती जागी तो देखा है मन तो भटक गया, मुझे करना तो ये था, तो वो जान के फिर दुख होने लगता है, वो मुझे सांस को देखना था मैं कहाँ चला गया, दुख हो जाता है, तो जान दिया जाता है। यम अभी इच्छा मना लगते तम अभी दुखम, जो मैं इच्छा करता था कि मैं सांस को देखता रहूं वो तो हुआ नहीं, मन भटक गया तो दुख हो गया। सो इन दिस वे जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको उस पैराडाइम में समझेंगे तो हमारा प्रथम आर्य सत्य हमारा पुष्ट होता जाएगा, हमारे को उसकी अंडरस्टैंडिंग पुष्ट हो जाएगी। तो जो
आर्य से देखने का अभ्यास है, पुष्ट होता चला जाएगा इससे। As in the case of other dhamma contemplations, the cause for the same can also be directly discerned as tanha or non-acceptance of what is and wanting it to be otherwise. So basic tanha ka agar nearest translation English hai to wanting, kuch chah rahe hain, jo hai wo humko manzoor nahi hai, kuch aur chahiye. So that is what is meant by wanting, and that is what is the true implication of tanha. So when you practice, then you become aware of it. And once the cause is discerned and mindfully observed as it is, without any reaction, it reveals its conditioned nature and ceases. And one then experiences the cessation of dukkha, that third noble truth. So जब हम अप्रिय परिस्थिति के साथ बैठे हैं और सचमुच में उसको inquisitive mind से, inquisitive mind मतलब उसमें कोई न क्रेविंग है न द्वेष है, एक बैलेंस्ड माइंड से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अच्छा ये अप्रिय वेदना हुई और मैंने क्रेविंग की और दुख जाग गया, तो देखते हैं अब इसको क्या इसका स्वरूप है। तो दुख डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ द दुख इट विल अफेक्ट एज द माइंड एज वेल एज द बॉडी, उसको देखे जा रहे हैं। जैसे ही हमने उसको डिस्पैशनेटली देखा, उसके बल छीन हो जाता है, बल छीन हो जाता है तो निरोध गया, एक मिनी निरोध जो है वो एक्सपीरियंस होता है, सेसेशन ऑफ सफरिंग। सो वी शुड मेक ए मेंटल नोट, सफरिंग इज अ रीजन एंड इट इज सीज्ड, सो दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड नोबल ट्रुथ। कई बार हम निरोध शब्द से समझते हैं कि परमानेंटली निरोध हो गया, वो जब होगा सब देखी जाएगी, लेकिन टेम्परेरीली सफरिंग अराइजेज एंड पासिंग अवे, दैट ऑल्सो शुड बी रजिस्टर्ड इन अवर कॉन्शियसनेस। हम उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, सफरिंग अराइज हुई वो उसको जान के परेशान होते रहते हैं, बट वो जब सीज होती है वी डोंट नोट, सो दैट ऑल्सो शुड बी नोटेड, देन वी आर प्रैक्टिसिंग द थर्ड नोबल ट्रुथ। वंस द कॉज इज डिसर्न्ड एंड माइंडफुली ऑब्जर्व विदाउट एनी रिएक्शन, इट रिवील्स इट्स कंडीशन नेचर एंड सीजेस, वन एक्सपीरियंसेस द सेसेशन ऑफ दुखा, दैट इज थर्ड नोबल ट्रुथ। केयरफुल कंटेम्पलेशन रिवील्स द होल बुके ऑफ रीजंस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सेसेशन ऑफ दुखा, and if you reflect on that you can see that all the eight parts have been followed implicitly, then only the suffering has ceased. And this contemplation can be applied in everyday life whenever one experiences dukkha. Mindful observation of what is dukkha, that is its effects on body and mind, reveals the cause as the underlying tanha. For example, expectations which are frustrated, or self image which is hurt when someone criticizes, and so on. This understanding in turn forms the basis of letting go of tanha. With such letting go, dukkha does at that least momentarily cease. Practice in this way, one can eventually remain unruffled even among the very difficult situations. So this is the final remark on it. Not only do the four noble truths constitute the conclusion of this series of contemplation, they can also be related to each of the other contemplations throughout the Satipatthana discourse. In fact, the successful completion of any Satipatthana contemplation is complete cessation of dukkha, which corresponds to knowing the third noble truth as it really is. Further, a complete understanding of third noble truth implies a penetration of all the four, since each one is but a different facet of the same realization. Thus, these four noble truths form the culmination of implementation of Satipatthana. So that is the last section of this Satipatthana Sutta. First, there is one more section on conclusion, where the Buddha tells us and motivates us that if you practice it in properly, in 7 years you can experience the fruits of Anagami, and if not Arhant. And then he keeps on telling, reducing the time period till it comes to 1 week. But the key thing there is, let me read out that key phrase. Yo hi kochi bhikkhave ime chattaro satipatthane evam bhaveya is a key word. Kaise kaha gaya hai, usi hisab se bhavna karega. Evam is thus explained. So the how I have explained, then if you explain works like that, then 7 years you will certainly become
enter this stream of anagami or become an arahant. So that is the conclusion of this section. If there are any comments on that, you can take any comments on this last such a problem, you can take that now. Good. So let us then meditate for some time and then conclude this session. Meet now at 2 o'clock for the last session of your interaction. I think it will be helpful if I read some of the operative parts of the Mahasatipatthana last section. There are a few operative parts also, but most of it is definition, but some one or two operative parts are there. So we'll read that also. And rest of the time you can take up questions if you have about the whole program, anything about the practice of any kind, about Satipatthana, then you can take that. So we meet at 2 o'clock. Thank you.